यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। डाल्टनगंज शहर में 25 दिसंबर से आयोजित कैंसर रोग के लिए निःशुल्क जांच शिविर तथा कैंसर रोग से बचाव को लेकर एक दिन पूर्व यानी सोमवार को जागरूकता रैली निकाली गई। महाराजा अग्रसेन भवन से जागरूकता रैली को डीआईजी विपुल शुक्ल व संत मरियम विद्यालय निदेशक अविनाश दे द्वारा हरी झंडी दिखलाकर रवाना किया गया। मारवाड़ी युवा मंच एवं प्रेरणा संस्था की डाल्टनगंज शाखा के तत्वावधान में निकाली गई रैली में संत मरियम आवासीय विद्यालय के बच्चों और मारवाड़ी समाज से काफी संख्या में महिला व पुरुषों ने बड़े उत्साह से भाग लिया, जो हाथों में तख्तियां लिए शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इस बीच कैंसर रोग से बचाव हेतु लोगों में जागरूकता फैलाई गई। कैंसर रोग को लेकर रैली में बच्चों द्वारा गुटखा पान मसाला खाकर लोग दिखाते शान, कैंसर को निमंत्रण देते और गंवाते जान जैसी स्लोगन लिखी तख्तियों के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई गई। संसदाध्यक्ष पवन खेतान ने बताया कि निर्धारित समय पर मेडिकल वैन शिविर में पहुंच जाएगी। उन्होंने लोगों से शिविर का लाभ लेकर आयोजन को सफल बनाने का आग्रह किया है। कैंसर जागरूकता अभियान के लिए तहत रैली निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ से जो है सो पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए और लास्ट में छमुहान पर हम लोग ख़त्म करेंगे। इसमें जो हम लोग की कैंसर की जो वैन आ रही है वो हम लोग 3 बजे तक यहाँ पहुँच जाएगी। हम लोग छमुहान पर वहाँ पर जागरूकता का जो है एक नाटक जैसा है या कम्प्लीट बने, जागरूकता का मेन हम लोग का रीज़न है। इससे अधिक से अधिक फायदा उठा सकेंगे ताकि पहला फर्स्ट स्टेज पर अगर लोग जागरूक हो जाएंगे तो आगे जो है तो ऐसा नहीं है कि ना इलाज बीमारी है, लोग इससे निजात पा पाएंगे।